सुबह का नाश्ता हो या हो लंच बॉक्स, इस तरह से आप बनाएंगे नाश्ता तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं ऐसा नाश्ता जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, सुपर सॉफ्ट सा ये रो जो पराठा है बनके तैयार होता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तब भी ये सॉफ्ट बना रहता है, खाने में टेस्ट भी होता है, और आप इसे अचार के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान से ये बन के तैयार होता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप ले लिया है पानी, और इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये गर्म हो जाए इसमें हम डाल देते हैं 1 पिंच अजवाइन, 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें हम 1 कप डाल लेते हैं चावल का आटा, यानी कि जितना पानी उतना ही चावल का आटा डालना है। और अब हमने गैस को बंद कर दिया है। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसे ढक देते हैं, और ढक करके इसे हम करीब 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। 5 मिनट में ये अच्छी तरह से फूल जाएगा और थोड़ा ये ठंडा हो जाता है। तो ये हमारा चावल का आटा जो है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। इसमें हमने 1 उबला हुआ आलू डाल लिया ग्रेट करके, धनिया का पत्ता डाल लिया है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं, 1/4 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल लिया है, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मसलते हुए गूंथ लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका डो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जा रहा है तो आप इसमें थोड़ा से पानी के छींटे डाल के इसे अच्छी तरह से गूंथ लें, और अगर बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुका है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से मसलते हुए मिलाएंगे, ताकि ये जो हमारा आटा है ना बिल्कुल चिकना सा बन के तैयार हो। और इस तरह से जैसे हम गेहूं का आटा बिल्कुल अच्छी तरह से मसलते हुए लगाते हैं ना, बस उसी तरह से इसे भी हमें इस तरह से मसल मसल के बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से जो हमारा आटा है ना वो लगने लगा है, और यहाँ थोड़ा सा हमने हाथ में ऑयल ले लिया है, और अब हम इसे फिर से इस तरह से मसलते हुए गूंथ लेते हैं। ऑयल लगा लेने से जो डो है हमारा बहुत ही चिकना बन के तैयार होगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है, बिल्कुल चिकना सा सॉफ्ट सा हमारा डो तैयार हुआ है। डो को थोड़ा हार्ड ही रखना है, पर इसे हमें अच्छी तरह से गूंथना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छा सा हमारा ये डो लग के तैयार हो चुका है। तो जितना आप चिकना इस डो को बना लेंगे उतना ही आपका जो पराठा है बहुत ही सॉफ्ट सा बनेगा। और अब इसमें से हम लोइयां इस तरह से तोड़ लेते हैं। तो अब हम इसमें सूखा आटा लगाते हुए इसे बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन पराठों को ना अचार के साथ खा सकते हैं, या तो फिर किसी भी चटनी के साथ या सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो जब भी आपको रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो इस तरह से इन पराठों को बनाएं और अचार के साथ आप सर्व कर दें, तो सब्जी बनाने का भी टेंशन खत्म हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इन पराठों को अच्छी तरह से दोनों तरफ सेक लेना है, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए हम इसे दोनों तरफ अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो हल्का हल्का आप दबाते हुए इसे अच्छी तरह से पका लें, ताकि हर तरफ ये अच्छी तरह से पक जाए। तो हमने यहाँ पे इसे सर्व कर लिया है, और ये देखिए कितने कमाल के सॉफ्ट सॉफ्ट से पराठे हमारे तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपने कभी पहले इसे नहीं बनाए हैं तो इस बार इसे ज़रूर से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बहुत ही सॉफ्ट से बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।